भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट मैच का रोमांच बेहद शानदार तरीके से बढ़ता ही चला जा रहा है। जी आपको बता दें कि पहले दिन जहां ऑस्ट्रेलिया 270 पर 6 था, उसके बाद दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 326 रनों पर ऑल आउट हुई, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम इंडिया के 8 रनों पर दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट चुके थे, यानी कि टीम इंडिया का स्कोर था 8-2। बस फिर क्या था, एक बार फिर संकटमोचक पुजारा और कप्तान कोहली की शानदार साझेदारी के दम पर भारत 82 रनों तक पहुंचा। 82 रनों तक भारत पहुंचा ही था कि एक बार फिर चेतेश्वर पुजारा के रूप में भारत को तीसरा झटका लगा। चेतेश्वर पुजारा की विकेट मिचेल स्टार्क ने ली, जो टिम पेन के हाथों कैच आउट हुए, लेकिन उसके बाद भारत के उपकप्तान और कप्तान एक साथ हो गए और दोनों ने एक बार फिर अपने चित परिचित अंदाज में एक बेहतरीन साझेदारी कर डाली। 82 पर तीसरा विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि टीम इंडिया की पारी एक बार फिर डगमगा जाएगी, लेकिन दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दोनों ने टीम इंडिया के स्कोर को 172 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे दिन टीम इंडिया ने करीब 69 ओवर खेले और 172 तीन विकेट के नुकसान पर उन्होंने बना दिए। भारत फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से 154 रन पीछे है, जहां पर विराट कोहली 82 रन बनाकर नाबाद हैं, जिसमें उन्होंने 9 चौके जड़े हैं। वहीं अजिंक्य रहाणे 51 रन बनाकर नाबाद हैं, जिसमें उनके 6 चौके और 1 छक्का शामिल है। 103 गेंदों में 51 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे ने भारतीय पारी को एक आगे बढ़ाने का काम किया है, और जिस पारी की जरूरत थी, जिस साझेदारी की जरूरत थी, वो भारतीय टीम को जरूर मिल गई है। अब यहां से इंपॉर्टेंट ये है कि ये साझेदारी और पनपे और बड़े रनों की ओर भारतीय टीम पहुंचे, क्योंकि अगर यहां से भारत पिछड़ता है तो फिर अपनी गलती से पिछड़ेगा, क्योंकि पर्थ में 326 ऑस्ट्रेलिया के बनाए जाने के बाद भी टीम इंडिया ने करारा जवाब दिया है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।